कांग्रेस का मेरा एमपी था, नाम है शकील अहमद। उसने क्या किया, हर गांव को तो जोड़ दिया भाई, प्रधानमंत्री की योजना है, लेकिन शकील अहमद मेरे गांव का रोड सालों में नहीं दिया, वो मोदी जी ने 2 साल में दे दिया। मैं क्या करूं, आप सुन कांग्रेस लाओ या मोदी, भाई मेरा गला पड़ जाएगा, मैं घर जा रहा हूं। अरे मोदी के रोड पे ही जाओगे, कांग्रेस के अनुभक्ति कहां, तुम जहां से मोदी जी से सीख के आए हो ना, वहीं से हम सीख के आए, तुम लोग को देख के एक अच्छा नहीं तनख्वाह बढ़ा दो तुम्हारी यार। अरे कैसी बात करते हो, सपोर्टर मोदी का हूँ, बस अड़ते लोग बाग क्या कहते हैं, कच्चा चाहे बिक जाए लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। सपोर्टर भी मोदी का ही हूँ, किसकी सरकार देंगे, अब की बार नहीं दूंगा, मोदी जी से गद्दारी करेंगे आप, मोदी जी से गद्दारी करेंगे, मैं अब की बार नहीं दूंगा। अरे चाचा बचाया भी क्या हमारा नहीं, बिका ही चुका है, बिक चुका है, मोदी से अच्छा कोई नहीं है देश में, वो भी सिलाई करके पहन रहा हूँ, मोदी से अच्छा, हाँ बिक चुका है, मोदी है तो देश है, आप नहीं है, नहीं मोदी है तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, मोदी की वजह से जिंदा हो भाई। अरे भैया तो खाते हो या नहीं ये बताओ भाई, खाते हो या नहीं, चाचा चाचा एक मिनट अब भाई साहब से बात कर लेते हैं, आप क्या बोले हो, फिर से बोलिए, खाते हो कि नहीं 5 किलो, 5 किलो आप नहीं खाते, नहीं लेता हूँ, लेकिन देती नहीं सरकार, सर मैं तुम्हें भी लपेटूंगा, याद रख लेना, 5 किलो तुम नहीं खाते हो, मेरे को देती नहीं सरकार, आए तो तुम कहीं विदेश से आए हो, इंडिया के नहीं हो, 80 करोड़ जनता में नहीं हूँ मैं, तुम 80 करोड़ जनता में नहीं हो, आप हो, हम भी नहीं है, फिर जब तुम नहीं हो, मोदी जी का कुछ लिया कि लिया कि नहीं, कुछ भी नहीं लिया, भी फायदा नहीं ले रहे, हमें भैया उनका चाहिए, फायदा ले रहे हो या नहीं, हमें उनसे कुछ फायदा ही नहीं चाहिए, फोन चला रहे दस, बिल्कुल चला रहे, यूपीआई गूगल पे है, बिल्कुल है, किसका है, अरे तो भैया आया कौन, चाहिए नहीं मोदी, अरे भैया क्या चाहिए मोदी, चला रहे हो कि नहीं, अरे भैया तो मोबाइल है तो चलाएंगे नहीं, मोबाइल किसने चलाएंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग किसकी है, अरे भाई साहब से बात, सर हमें क्या लपेटोगे यार, हम तो ज्यादा टैलेंट बन रहे हो, आपके जैसे को डेली लपेटते हैं, आप ज्यादा टैलेंट बन रहे हो ना, तो आप ही तो टैलेंट बन रहे हो ना, आपने कहा मोदी जी का कुछ नहीं लिया, ले रहा है कि नहीं लेगा, पहले मुझे बताओ मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, चाइना इंडिया में, तो फिर तुम काहे मोदी का घंटा बजा रहे हो यार, काहे बजा रहे हो मोदी का घंटा, जीएम तक आग पे पहुंचाया ना, आता जाता एक अच्छा नहीं तनख्वाह बढ़ा दो तुम्हारी यार, अरे कैसी बात करते हो सर, तुम भी यार करके यूपीआई घूम रहे हो, तरह अंधभक्त हो गए हो यार, आप किसके अंधभक्त, कांग्रेस के अंधभक्त, हम किसी के अंधभक्त नहीं लगते हो, बहुत बड़े हम किसी के भक्त, बहुत बड़े अंधभक्त हो कांग्रेस के, हम काहे के लिए टपकड़ा है कांग्रेस के, हम तुमसे बोले हैं क्या, हम कांग्रेस के कपड़े से टपकड़ा, अरे जैसे तुम मोदी जी के चाटुकारता हो वैसे हम किसी के चाटुकार, हमने तो कुछ नहीं बोला, अरे आपने बोला, हमने मोदी जी का, तुम्हें तो बोल रहे हो, लिया ना दिया, ये दिया मोबाइल, गूगल पे चला दिया, क्या दिया, क्या दिया, 5 किलो राशन लेकर के, और 5 किलो नहीं कर रहे, आओ चलो 10 किलो देते हैं हमारे साथ, चलो ना 10 किलो देंगे, आओ ना 10 किलो देते हैं तुम्हें, बताओ ना 5 किलो को तो छोड़ो, इतनी कैपेसिटी रखते हैं कि तुम्हें 10 किलो देंगे, 5 किलो की तो छोड़ो यार, कहाँ से सीखी इतनी कांग्रेस की अनुभक्ति, कहाँ, तुम जहाँ से मोदी जी, जहाँ से मोदी जी से सीख के आए हो ना, वहीं से हम सीख के आए, तुम लोग को देख के सीखे, मोदी विरोधी हो, हम मोदी विरोधी नहीं है, मोदी विरोधी, हम मोदी विरोधी नहीं है, ओ भाई तुम देश विरोधी हो, तुम मोदी विरोधी हो, है कि नहीं भैया, ना विरोधी पक रहा है, मोदी है विरोधी भैया, विरोधी तुम विरोधी कर ही रहे, उसका काम जब हर जनता कर रही काम, देख रहा है रोड पे, उसी रोड पे ढाले तुम, भूल ही गया मैं, मोदी का रोड था, सिंगल रोड था, आज बहुत बढ़िया लपेटूंगा, क्या बोले थे अभी आप, जो कह रहे हो उसी रोड पे ढाले अबे, इस तुम नवेटा में कब आए, कहाँ के हो भैया, कहाँ से बिलोंग करते हो, मैं ही है भैया, यूपी के हैं, यूपी में कहाँ से, अरे वो छोड़ो, मोदी के रोड पे, कब यहाँ नवेडा में, कौन से सन में आए नवेडा, बहुत साल से रह रहे, कितना साल से 12 साल, 12 साल हो गया, मोदी जी को 10 साल हुआ है, ठीक है, उससे पहले तुम हवा में झूलते हुए यहाँ तक आए थे क्या, रोड नहीं था, सिंगल रोड था भाई, मेरा गला पट जाएगा, मैं घर जा रहा हूँ, मोदी के रोड पे ही जाओगे, अरे नहीं जाओगे, उससे पहले पूरे, अरे यार बोलने दो यार, खड़े हो मोदी, उससे विरोध कर रहे हो, उससे पहले सर जी, उससे पहले देश में खाली पानी पानी था, हम तैर के आए थे, अब रोड पे खड़े हैं, क्या बात कर दी है भाई, बात बताइए, पानी में थे 2014 के बाद ऊपर आए हो, फिर भी जिंदा हो बेटा, रुक जाओ 2024 और जिता दो उनको, फिर उसके बाद तुम भी जिंदा नहीं रहोगे, एक बात बताइए, रुकिए एक बात बताइए, आप कह रहे मोदी जी ने काम नहीं किया, तो 70 साल में कांग्रेस ने काम छोड़ा ही क्यों कि मोदी जी करे, अरे भाई एक कांग्रेस ने मतलब कुछ नहीं किया, एक बात बताओ, आज मोदी जी से मांग रहे, 70 साल कांग्रेस राज किया, ठीक है,
किसी ने उंगली नहीं उठाया, सुनते रहिएगा। 10 साल मोदी जी देश में आए सत्ता में, भाई साहब पूरे देश में हाहाकार मच गया, हाहाकार। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, अबे भैया हिंदू मुसलमान सब इंसान है भाई। 70 साल फिर कांग्रेस ने जब देश में राज किया, गरीबी खत्म नहीं कर पाया, लोगों को एक नहीं कर पाया, तो नरेंद्र मोदी मोदी जी से वही चीज ढूंढ रहे हो। तभी तो कह रहे हैं, कमी छोड़ी तब तो मोदी जी पूरा कर रहे। मैं भी तो बता रहा हूँ कि जब कांग्रेस 70 साल राज किया तो 55 लाख करोड़ का कर्ज था, ठीक है, और नरेंद्र मोदी आए देश में इतना रोजगार लाए, इतना पैसा उड़ाए कि 1,55,00,000 का कर्ज हो गया भाई। हो गया, कहाँ जाओगे लेके? जिस रोड पे खड़े हो ये पहले कांग्रेस ने नहीं बनवाया, अरे आज खड़े हो तो मोदी जी ने बनवाया। अरे तो भैया तो वही तो कहते हैं कि जब सत्ता में रहोगे, बोला मंदिर भी नहीं बनवाया सरकार, फिर भी जो क्या देती सरकार कि मंदिर हम बनवाएंगे, मंदिर हम बनवाएंगे, मंदिर बनवा दी नहीं आती। कांग्रेस की अनभक्ति करते हैं, इतनी सरकार बन चुकी, हर मंदिर बन गई, कहते कि हम मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवाती नहीं आती, और जीत जाती उसी के बल पे। अच्छा, अगर उसी प्यार प्यार की भाषा समझते हो ना, अगर उस मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनता या कॉलेज बनता, अगर कॉलेज बनता तो बच्चे शिक्षा पाते ना। ईमानदारी की बात बताना दोस्त, बुरा नहीं बात है आपकी, अकेले बने ना है कॉलेज। अगर 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 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनता तो हमारे जैसे माँ बाप का इलाज, बड़े बूढ़ों का इलाज होता, बच्चों का इलाज होता, हमारा होता, तुम्हारा होता। उन्होंने तो ये भी किया है कि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपया हर एक व्यक्ति को मिलेगा भाई साहब। जब हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल में जाओगे ना तो 36 घंटा पहले लाइन लगाओ, और जब तुम्हारा नंबर, भाई सुनना, सुनते तो नहीं। अच्छा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, काय का न्याय चाहिए राहुल गांधी? अरे कहाँ नहीं, क्या हो गया? वो तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वो तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं भाई। क्या का न्याय चाहिए वही तो पूछ रहा हूं। अरे न्याय क्या हो गया उसके साथ, हमारे इसने क्या कर दिया? अरे हमारे मणिपुर में बेटियों के साथ हत्या हुआ, रेप हुआ, नंगा घुमाया गया, उसके लिए इंसाफ तुम मांगोगे कि नहीं? अगर तुम्हारी जगह, उस जगह पे अगर तुम्हारी बहन बेटी होती या हमारी होती तो हमारे या तुम्हारे दिल पे क्या बीतता बताओ? वोट का न्याय चाहिए या मणिपुर का? अरे वोट गया तेल लेने, पहले न्याय दो। न्याय वही तो, वही तो के लिए घूम रहा। अरे भैया वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि न्याय चाहिए। हमारा देशभक्त तो नहीं है मणिपुर के लिए घूम रहा? अरे भैया ना हम कांग्रेस के भक्त हैं, ना हम केजरीवाल के भक्त हैं। ये बताओ, नरेंद्र मोदी हमारे भक्त हो आप? हम भक्त, हम कांग्रेस के दंड भक्त, हम कांग्रेस, हम ऊपर से नीचे तक भरे हुए। क्या कि हम कांग्रेस के भक्त हैं? हमने कहा क्या अपने मत? अरे बातों से लगता है। अरे भैया ऐसे हम भी तो कह रहे हैं, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम नरेंद्र मोदी के नीचे ही बैठ के काम करते हो, घंटा बजाते हो, मान लोगे क्या? बोलने से क्या हो जाता? तो तुम्हारे बोलने से हो जाएगा क्या? इतने देर से लेक्चर दे रहे हो भाई। नहीं तो तुम्हारे बोलने से क्या, तुम्हारे बोलने से हो जाएगा? विरोधी बातें आपको समझ में आ रहा है? ये राहुल गांधी कोई जज है कि कलेक्टर है? वो लोगों को न्याय देगा? न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट है ना? समझ में आ रहा है क्या का न्याय चाहिए? अरे वो तो उसकी बात तो कोई समझता नहीं है, वो पार्टी के लोग नहीं समझते हैं, झूठ कूद रहा है, जनता क्या समझेगी? नहीं वो न्याय यात्रा जो निकाल रहा है, न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है ना, तो वो राहुल गांधी न्याय दे देगा लोगों को? और ये इधर सुनो, पहले इधर सुनो, ये इधर सुनो, ये अभी कह रहा था ना मणिपुर, और कह रहा था ना 1,50,000 करोड़ का कर्जा हो गया, 1,00,000 कर्जा हो गया, लेकिन अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे 5,00,000 करोड़ का कर्जा हो गया कांग्रेसियों ने किया। अभी कर्नाटक में 5,00,000 करोड़ का कर्जा है, बिहार में कर्जा है, मतलब वहाँ तो चमचों की सरकार है। 2014 के बाद, प्यार से प्यार की भाषा समझते हो ना चाचा? मारेंगे चाचा? नहीं मार, अरे मारने के किसी की इतनी, मार के ही समझते हैं, किसी की इतनी औकात नहीं कोई किसी को मार दे। सब यात्रा जोड़ो, सबको हक है अपना, सबको तो 5 करोड़ दो। वही तो मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, राजस्थान में अभी गहलोत की सरकार थी ना, वो 5,00,000 करोड़ का कर्जा कर दिया कर्नाटक, 1,55,00,000 का कर्जा हो गया, वो तेरे को नहीं दिखाई दे रहा है? वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे क्यों हुआ? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब देख के खुश है हमारे जेपी चाचा नड्डा। कुछ भी नहीं बिका है, इसको लग रहा है कि बिक गया, मतलब देश में कर्जा हो गया वो दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 करोड़ का कर्ज हो गया तुम्हें पता चला? जो कांग्रेसियों के राज में कर्जा हुआ है वो इसको दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मेरे भाई तो वही तो बता रहा हूँ, 2014 से पहले 55,00,000 करोड़ का कर्ज था, इस चीज को हम भी मानते हैं, ठीक है, स्वीकार करते हैं, लेकिन 2014 के बाद 1,55,00,000 का कर्ज हो गया, वो कहाँ जाएगा? अरे 2014 के बाद राजस्थान में 5,00,000 करोड़ का कर्जा हुआ। भाई किधर घूमा? ये कह रहा हूँ भाई, जब नया संसद भवन बनेगा और बाहर देशों से अच्छी अच्छी फ्लाइटें आएंगी, बाहर देशों से अच्छी फ्लाइटें आएंगी और हर देशों की अच्छे से यात्रा होगी,
और हर देशों के साथ मंत्रा होगी तो कर्जा तो बढ़ेगा ही, तो कर्जा होना लाजमी है। आप कहीं भी डेवलप करोगे, कहना चाहते मोदी जी ने कर्जा कर दिया अपने लिए, कर्जा सुनो क्या बनवा लिया अपने लिए? मोदी जी ने कर्जा अपने लिए नहीं किया, उन्होंने कर्जा जो किया वो सभी धर्मों के लिए नहीं किया। पूछो कहाँ है जो अभी भाई साहब ने बोला, हम खाली ये एक ही बात कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस सरकार में सबका साथ सबका विकास और सबका मतलब उत्थान एक साथ हुआ है। तो फिर 1984 का दंगा कैसे हुआ? अरे सुन लो, कैसे खून की नदियां बह गई? 1984 का दंगा इसलिए करा दिया हम बता रहे हैं, 1984 जी पे थुपोगे क्या? नहीं, ये सेकुलर देश है, आपको भी पता, सबको पता। फिर आपने ये सवाल कैसे किया कि 5 किलो राशन बोल रहा है तुम्हारा? अरे नहीं, पहले सुन तो लो, 5 किलो राशन क्यों लोगे? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, 5 किलो राशन की क्यों जरूरत पड़ रही है? लोगों को रोजगार दो। 80 करोड़ कहाँ, 130 करोड़ है यार। सुनो और सुन लीजिए, देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे इसके पहले 17 बन गए वो भी रहे हो, जितने भी प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्रियों को खाली एक दिशा तय करनी चाहिए कि अच्छा रोजगार हो देश में, अच्छा ट्रांसपोर्ट हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी बिजली हो, अच्छी सड़क हो और अच्छी फैसिलिटी हो पब्लिक के लिए। सिर्फ इसी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बाकी राम मंदिर और श्याम मंदिर, घनश्याम मंदिर, इससे मंदिरों से पेट नहीं भरता। कहने का चाचा, तुम मंदिर से खुश नहीं हो यार? मंदिर से 22 जनवरी को दोबारा दीपावली का वो हो रहा है। गुरु जी सुन लो, अब हमारे सामने बच्चे जैसे हो, बिल्कुल ठीक है, जैसे क्या बच्चे ही हम तो? बच्चे हो, हम आपको एक चीज कह रहे हैं, भारत एक सार्वभौमिक देश है, भारत एक नैतिक देश है, भारत एक औपचारिक देश है, भारत सभी धर्मों का अनुयायी है, मानते हो नहीं मानते? मानते हो? तो हमारा खाली इतना सवाल है कि अगर एक धर्म को बढ़ावा और दूसरे धर्म को नीचा क्यों? आखिरी सवाल आपसे लूंगा, आपने बोला कि बिजली पानी जो सारी व्यवस्था दे वो सरकार चाहिए, कौन है जो दे सकता है? ऐसा कांग्रेस सरकार में आपको अच्छी बिजली भी मिली है, स्वास्थ्य भी अच्छा मिला है, सड़क भी मिली है, ट्रांसपोर्ट भी मिला है, और जो मोदी सरकार ने उनका नारा छीन लिया कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, और सभी जातियों का, चाहे वो अनुसूचित जात हो, चाहे जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, इन लोगों का अगर उद्धार हुआ है, उन्नयन हुआ है, ये हमसे आज बात कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की देन है, इनको इस बात को मानना चाहिए। और नहीं, अगर नहीं, नहीं, ठीक है, आप हो गया, ये खुद भोगेंगे। हो गया, हो गया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, कुछ नहीं कहा, सुन लीजिए, मेरा गाँव है, मैं बिहार से हूँ, मेरा गाँव है, 2016 में मेरे गाँव में बिजली आई आजादी के बाद। अब बताइए, मोदी सरकार में बिजली आई, कांग्रेस ने पूरी जिंदगी में 70 सालों में नहीं दिया, वो मोदी जी ने 2 साल में दे दिया, मैं क्या करूं? अब सुन, कांग्रेस चिल्लाओ या मोदी, हम कह रहे हैं हमारे गांव में हमारे गांव में तो आज रोड भी नहीं। बता रहे उसका उत्तर करूं मैं? उत्तर सुन लो, उत्तर सुन, नाम लो, उत्तर सुन लो गुरु जी, बिजली किसने दिया? उत्तर सुनो, आपको मोदी ने दिया, मान लिया, मैंने चिल्लाओ 70 साल में हमारे, लेकिन हमारा भी सुन लिया तो कुछ नहीं, हमारे गाँव में 87 में बिजली आ गई, 87 में कांग्रेस हमारे गाँव, बात सुनो ना, सुनो, 87 भुजगी गाँव अम्बेडकर नगर जिला यूपी 87 में बिजली हमारे, सुनिए एक बात और, सुनिए और सुनिए, 24/11 35 साल पहले बिजली आई है, 35 साल पहले, सुनिए एक बात और सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका नमन करते हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी को, वो दिवंगत नेता है, हमारे गुरु है, पूज्य है, भाजपा के पालनहार है, ऐसे नेता को हमारा प्रणाम, बार बार सुनिए ना पूरी बात, ऐसे नेता, सुनिए, अरे सुनिए चचा, लेकिन वैसी सोच, वैसी समझ, वैसी दशा, वैसी दिशा आज भाजपा में किसी के पास नहीं। ठीक है, एक बात और सुन के जाइए, सुन लीजिए, अरे एक बात और सुन लीजिए, आखिरी बात और सुन लीजिए, पूछिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना लाया था, हर गांव को रोड से जोड़ो, मेरे गांव में भी हुआ, कांग्रेस का मेरा एमपी था, नाम है शकील अहमद, उसने क्या किया, हर गांव को तो जोड़ दिया भाई, प्रधानमंत्री की योजना है, लेकिन शकील अहमद मेरे गांव का रोड बेच के खा गया। अब हम कह रहे हैं, क्या करें? अगर कांग्रेस का, अगर शकील अहमद का, अगर शकील अहमद ने आपके गांव का रोड नहीं बनवाया, आज तक नहीं है, आज तक नहीं बनवाया, बेचा उसने? हम बता रहे हैं ऐसा बेचा नहीं बनवाया, मैंने आपकी बात माना, तो आपने RTI क्यों नहीं डाली, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी क्यों डाली की, आपने मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद क्यों ना की, ये कमी आपकी है, ये कमी आपकी है, जो आपके गांव का रोड प्रधानमंत्री योजना के तहत सारे गांव बने और आपका गांव
वंचित रहा, ये आपकी कमी है। आपके गांव वालों को आके यही लेट जाना चाहिए था। बनाएगा तू, बनाएगा।